बाबा जी आएंगे, उनका दर्शन मिल जाए, वही मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं वही सोच रही हूँ कि उनका दर्शन ही मिल जाए मेरे को। इसी समय एक क्रिकेट का मैच भी होगा बीच में, तो आपको लगता है कोई पुलिस प्रशासन पे किसी किस्म का व्यवस्था को लेकर दबाव रहेगा, क्योंकि भीड़ दोनों तरफ होगी, तो उस स्थिति से आयोजन समिति कैसे निपटेगी? नहीं नहीं, ऐसा कोई आप बता रहे हैं कि मैच है, उसमें हमारे प्रशासन का पूरा सहयोग है, जिसमें हमारे को SP साहब थे और जिन्होंने पूरा सहयोग दिया, पूरा पुलिस बल दिया है, किसी भी प्रकार की कहीं भी कोई अवस्था नहीं होगी, कार्यक्रम बहुत अच्छे से निपटेगा। आपने बड़ा सफल कार्यक्रम किया, मतलब इस तरह के आयोजन जितने भी हुए, चाहे फिर वो बलौदा बाजार में हुआ और अब जो है परभणी में हो रहा है, लेकिन रायपुर में जितनी भीड़ हो गई थी, क्या लगता है इस बार भी उतनी ही भीड़ होगी? निश्चित रूप से, क्योंकि पहली बार बागेश्वर सरकार आ रहे हैं, तो मुझे अपेक्षा है कि पब्लिक अच्छी आएगी और श्रोता भी अच्छे रहेंगे और वक्ता तो अच्छे हैं ही, उनके मुखार बिंदु से हम सुनेंगे, इससे बड़ा हमारे लिए सौभाग्य की बात नहीं है। और हनुमान जी के दरबार में हनुमान जी कथा, और इससे बड़ा क्या? अच्छा, भीड़ को संभालने का बड़ा एक गहरा मूल मंत्र आपके पास है, क्या आपने समिति को दिया है? बिल्कुल, मूल मंत्र हमारे चाचा है, और चाचा जो चाचा है वही भतीजा है। क्या भतीजा है? वही चाचा है। वो मंत्र क्या है? वो मंत्र ये है कि सब मिलजुल के काम करो और बालाजी के ऊपर छोड़ दो। हम उसी पंडाल में हैं जहां कल से राम कथा प्रारंभ हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि पंडाल में तैयारियां व्यापक पैमाने पर चल रही हैं। ये रास्ते कल से भीड़ से भरे हुए नज़र आएंगे। ये पंडाल में कल शायद हो सकता है पांव रखने के लिए जगह भी नहीं मिले। राम भक्तों का हुजूम दूर दूर से आ रहा है। चलिए आइए चलते हैं, ज़रा मंच का जायज़ा लेते हैं। ये श्री राम कथा का आयोजन हनुमान मंदिर मैदान कुड़ियाली रायपुर में किया जा रहा है। आयोजन के जो मुख्य आयोजक हैं वो ओम प्रकाश मिश्रा पप्पू जी भैया बोलते हैं, उनके परिवार के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें हनुमान मंदिर समिति गुड़ियारी और उनके जो परिवार के प्रमुख सदस्य हैं, उनके परिचित हैं, वो सब मिलके एक वॉलंटियर के रूप में कार्य कर रहे हैं। संपूर्ण कार्य में जिला प्रशासन, निगम प्रशासन का पूर्ण सहयोग साथ मिल रहा है हम लोग को। महाराज जी 17 तारीख को 1 बजे से लेके शाम 4 बजे तक के कथा वाचन करेंगे, और 20 और 21 तारीख को श्री राम दरबार लगेगा महाराज श्री का, जिसमें वे यह से वो समय रहेगा, प्रातः 9 से 11 का रहेगा। बाहर से आने वालों को यही संदेश है कि वे अपने रुकने ठहरने की व्यवस्था भी स्वयं करें। अगर वे अस्वस्थ हैं या आपके साथ में छोटे बच्चे हैं तो वे ना आएं। जो स्वस्थ है वे आएं, क्योंकि कथा स्थल में काफ़ी भीड़ रहने की संभावना है। तो इसके लिए सबसे निवेदन है कि आप लोग जो है अपना एक तो कीमती सामान को लेकर ना आएँ, और छोटे बच्चे जो बहुत हैं और जो बीमार हैं वे लोग कथा स्थल से दूर रहें।